नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? 10 साल हो गए। कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत बढ़िया है। मैम, पिछले 3 सालों में बहुत अलग दिखाया गया था, आपको क्या लगता है? जो दिखाया है वो सब कुछ गलत है। वो हर किसी की थिंकिंग है, जो अपनी तरफ से सोचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे से भी कई पूछते हैं ये ऐसे है वैसे है, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी एक लड़की हो, आपको कैसा लगता है बीइंग गर्ल, कैसा महसूस करते हो डेरा सच्चा सौदा में? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे गए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको भी झूठे लगाए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने इतने 10 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा। फिर गुरु जी का स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो शुरू से देखती आई हूँ, 10 साल हो गया। ज़रूरत है उनकी समाज को? हाँ हाँ, बहुत ज़रूरत है, उनको आना चाहिए। क्या किया क्या है उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने इतने समाज के लिए भलाई के कार्य किए हैं, इतने 136 भलाई कार्य किए हैं, हर खूनदान आँखें दान इतना कुछ किया है। अगर वो नहीं करते तो फिर क्या होगा? 3-4 सालों से समाज में नहीं है वो, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव बहुत बुरा है ना, उनको कुछ मिल रहा है ना कुछ। खून के लिए लोग की बहुत देखते हैं कि खून की बहुत कमी आ रही है, फिर आखिर उनको डेरा सच्चा सौदा में ही आना पड़ता है। क्या मांग करोगे सरकार से? हमारी तो यही मांग है कि हमारे पिताजी जल्द से जल्द सांस अंदर के बीच में आए। बहुत पता।